हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बहुत सारे आपको टॉपिक दिया है जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमारे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो आपको इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ों का कलेक्शन दिया जाता है, आप इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होंगी। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आज हमने क्या लिया है, आज हमने लिया है सिर्फ गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम्स के लिए, वो हम सभी के सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस सभी चीज़ों को बताने के बाद मैं आपको एंड में कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई थी तो हमने सोचा कि चलो इसी तरह के वीडियो बनाएंगे, पहले आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ समझा देंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करा देंगे ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए और आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई सभी चीज़ें, तो एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध, जो कि हम बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है हम यहाँ पे छोटे से नोट्स में कलेक्शन करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कहाँ पर? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और उसी वक्त आप ध्यान रख लीजिएगा, जन्म की बात कर रहे हैं तो मृत्यु की बात भी याद कर ही लीजिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में। 483 वर्ष पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में। अब बात करते कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनारा। कहीं कहीं कुशीनगर लिखता है, कहीं कहीं कुशीनारा लिखता है, तो कुशीनारा ये कहाँ पे पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, कुशीनारा या फिर कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। जन्म और मृत्यु का डेट आपको याद रखना है 80 वर्ष की अवस्था में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके माता और पिता का नाम। तो इनकी माता का नाम था माया देवी और पिता का नाम था सुधोधन। ठीक है, सुधोधन। माता इनकी जो थी वो जन्म के सातवें दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी इनकी माता की, तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इनके जीवन से जुड़ी संबंधी जो प्रतीक चिन्ह रहा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो इनके जन्म से जो इंपॉर्टेंट है, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये चार चीज आपको याद होना चाहिए। जैसे कि इनके जन्म के समय की जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल एवं सांड। कमल एवं सांड, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम गृह त्याग की बात करते हैं तो गृह त्याग घोड़ा, याद कैसे रखेंगे? अगर हम घर को छोड़ करके जा रहे थे तो पुराने जमाने में जो लोग थे घर को कैसे छोड़ के जाते थे? घोड़ा पर ही बैठ करके जाते थे, तो गृह त्याग यानी घोड़ा पर, ये ध्यान रखेगा। देखिए, इन्होंने गृह त्याग कब किया था ये भी याद रख लीजिए। गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग इन्होंने किया था, ये ध्यान रखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? पीपल। ठीक है, ज्ञान की जो प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह रहा वो पीपल है, बोधी वृक्ष, जिसको नाम से हम जानते हैं, बोधगया में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, बताया नहीं, ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या? स्तूप। स्तूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए तीन जो पॉइंट्स है वो अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। ये तीनों शब्द क्या होते हैं और ये इनका अर्थ अक्सर पूछा जाता है कि महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या है, महाविनिष्क्रमण क्या था, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था, महापरिनिर्वाण क्या था, तो इस तरह के पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे देखिए, महाविनिष्क्रमण की बात करें तो जो गृह त्याग की घटना थी, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया था, तो उस घटना को यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। और ये डेट बोल रहे हैं, ये वर्ष क्या था, इनकी आयु थी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। अब बात करते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में एक डियर पार्क था, डियर पार्क, ठीक है, डियर पार्क में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में ही कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन, ये ध्यान रखेंगे। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। ठीक है, किस भाषा में? जन साधारण की भाषा थी पाली, पाली भाषा में इन्होंने दिया था, ये ध्यान रखें ताकि सभी लोग समझ सके आसानी से। उसके बाद आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु की घटना को कहा गया है, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीन जो पॉइंट्स है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और
महापरिनिर्वाण, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, बाद में मत कहिएगा कि नहीं बताते। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं कि इनके जो प्रथम गुरु थे कौन थे। गृह त्याग के बाद जो इन्होंने शाक्य दर्शन की जो शिक्षा ली थी किनसे ली थी, तो वैशाली के गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम, या फिर माने जाते हैं प्रथम गुरु इनके कौन थे, अलार कलाम वैशाली के थे। ये भी याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है घुमाकर कि अलार कलाम का संबंध कहाँ से था, तो वो वैशाली से थे। उसके बाद दूसरे गुरु इनके कौन थे, सेकंड गुरु के रूप में हम लोग रुद्रक रामपुत्र को जानते हैं, रुद्रक रामपुत्र जो कि राजगीर से संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कोसल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रमुख अनुयायी जो शासक थे उस वक्त के इनके संबंध में कौन कौन थे, तो ध्यान रहेगा प्रेसनजीत, बिंबिसार और उदयन, ये तीन आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि बिंबिसार, प्रेसनजीत और उदयन, ये तीन जो कि प्रमुख अनुयायी शासक थे। तो इधर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीज अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट आपको क्वेश्चंस कराया जाएगा, तो जो क्वेश्चन जितने कराए जाएंगे उनमें से आपको फुल मार्क्स लाना है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ये जो आपका स्लाइड दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई आप मान करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता रहता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के बारे में अगर विशद ज्ञान प्राप्त करना है तो त्रिपिटक से हमें मिलती है, ठीक है, त्रिपिटक से हमें जानकारी मिलती है। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी, तो त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में। अब देखिए त्रिपिटक के भी तीन भाग है, त्रिपिटक के कितने भाग है, तीन भाग है, और वो भाग कौन कौन से, तो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक के नाम से हमें जानते हैं। अब विनय पिटक का संबंध किससे है, सुत पिटक का संबंध किससे, अभिधम पिटक का संबंध किससे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें कि विनय पिटक में किसका उल्लेख किया जाता है, किसका जिक्र है, तो संघ एवं नियम बनाने की जो वर्णन है, संघ और नियम का वर्णन जो किया गया वो विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक का अर्थ ही होता है अनुशासन की टोकरी, ठीक है, अनुशासन की टोकरी। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि संघ एवं नियम जो है इसका संबंध हो जाता है विनय पिटक से। और अगर आपसे पूछ ले कि विनय पिटक की रचना किसने की थी, तो विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई है, उपाली के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट आपका सुत पिटक, सुत पिटक का संबंध किससे होता है, तो उपदेशों का जो संकलन है, यानी कि जो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, वो किसमें देखने को मिलता है, सुत पिटक में। और सुत पिटक के रचनाकार कौन थे, आनंद, सुत पिटक के रचनाकार आनंद थे। आनंद वही थे, आपको ध्यान रखिएगा, जो कि गौतम बुद्ध को इन्होंने बोला था कि बौद्ध संघ में महिलाओं को अनुमति देने के लिए, शामिल होने के लिए, तो वही थे वो आनंद, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका बनता है थर्ड, जो कि अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में क्या है कि दार्शनिक और जो आध्यात्मिक विचार है इसमें शामिल किया गया, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को इसमें शामिल किया गया, और जिसके रचनाकार तीसरे थे। देखिए साथ में आपको याद रखना है कि इसके रचनाकार कौन थे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस बनेगा तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि विनय पिटक के रचनाकार कौन थे या फिर विनय पिटक का संबंध किससे है। तो दोनों मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, दोनों याद रखना है, ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हमें बात करना है कि गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो एग्जैक्ट तिथि थी निश्चित की गई जो है वो कहाँ से की गई है, तो चीनी परंपरा का जो एक अभिलेख है, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर इनके जन्म और मृत्यु की तिथि निश्चित की गई है। तो बस ये ध्यान रहेगा, पूछा जा सकता है कि कैंटोन क्या है, कैंटोन अभिलेख का संबंध किस देश से, तो चीन से संबंध रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण जो कि मठ, महत्वपूर्ण मठ, बुक में आपको बहुत सारे मठ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। जैसे टाबो मठ का संबंध हिमाचल प्रदेश, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, तवांग मठ का संबंध अरुणाचल प्रदेश, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, टाबो हिमाचल प्रदेश, तवांग अरुणाचल प्रदेश, हेमिस और थिक्से, हेमिस तो आपको पता ही होगा कि ऊपर में लद्दाख में, और थिक्से भी याद रहेगा कि लद्दाख में ही स्थित है थिक्से मठ। रूमटेक बहुत बार पूछा गया, रूमटेक सिक्किम में स्थित है, रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। उसके बाद नामग्याल आता है हिमाचल, नामग्याल हिमाचल। एक आता है नाम डार्लिंग जो आता है वो कहाँ पे आता है, वो आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और एक आता है मी डार्लिंग जो कि देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ थी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज दो चीज मेंशन नहीं किया है, जैसे कि आपका प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो गौतम बुद्ध के बाद की कुछ घटनाएं हो जाएंगी,
तो मैंने यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं किया। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन का हुआ था, तो एक छोटा सा आप तरीका याद रख लो। रवे पाक अक्सर पूछा जाता है, रवे पाक। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला जो आपका हुआ था वो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा, और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, यानी कि कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम शासक की बात कहते तो पहला जो शासक थे वो कौन थे, अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा जो थे वो अशोक के संबंध में, और चौथा कनिष्क के संबंध में। तो ये चार पॉइंट याद रखिए, जो मैंने आपको बता दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। अब आपकी बारी है क्वेश्चंस का राइट आंसर देने के लिए, तो आपके सामने मैं क्वेश्चंस रखूंगा, उसका राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए, या फिर आप लास्ट में बताइएगा कि टोटल आपने कितना सही किया। क्वेश्चंस मेरे पास टोटल 11 है, लेकिन उसमें से आपको 10 प्लस क्वेश्चंस सही करना है, यानी कि 10 सही करना है। इससे अगर आप कम करते हैं तो मैं मानूंगा कि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ऑप्शन राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान, और इनमें से कोई। तो मैंने आपको क्या बताया, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। राहुल उनके पुत्र का नाम था, वर्धमान जो कि महावीर उनका नाम था वर्धमान। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, मैंने तीनों आपको बताया। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है, गृहत्याग की घटना, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मृत्यु, महापरिनिर्वाण और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या बनता है। थर्ड पॉइंट ये है, साख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो अलार कलाम से ग्रहण कहाँ से संबंध रखते हैं, यानी अलार कलाम का जो संबंध है वो कहाँ से है। तो ध्यान रखिएगा, अलार कलाम का संबंध मैंने क्या बताया था, वैशाली, और जो दूसरे गुरु थे उनके दूसरे गुरु का नाम क्या था, रुद्रक रामपुत। रुद्रक रामपुत का संबंध कहाँ से था, उनका संबंध था राजगीर से। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताया बस उसी से बेस्ड आपका क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से सुना है, चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना, बस आपको ध्यान से सुने होंगे तो आपको बस राइट आंसर गेस करते चलना। चलिए उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ ने दिया था, सारनाथ में दिया गया था, बिल्कुल सही है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, ये भी सही है। यह उपदेश डियर पार्क में संबोधित किया गया था, बिल्कुल सही, सारनाथ में डियर पार्क है, उसी में संबोधित किया गया था, यानी कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी पे हम जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के प्रथम प्रमुख अनुयायी नहीं थे, प्रमुख अनुयायी नहीं थे। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रमुख अनुयायी में कौन कौन थे, प्रसन्नजीत, बिंबिसार और उदयन। यहाँ पे हम देख सकते हैं अशोक जो कि ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अशोक। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे बात प्रमुख शासक की जो की जा रही है, बाद में अशोक ने भी धारण किया था बुद्ध धर्म को, लेकिन उस वक्त अगर हम समकालीन की बात करते तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा, अशोक को हटाएंगे। ठीक है, प्रमुख शासक उस वक्त के प्रसन्नजीत, बिंबिसार, उदयन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु आपको बताया गया था जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर या फिर कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सुत पिटक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सुत पिटक यानी पिटक को तीन भागों में बांटा गया था, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में क्या बताया था, विनय पिटक में संघ और नियम का उल्लेख किया गया, जबकि विनय पिटक में अगर हम बात करते हैं, सॉरी दूसरा पॉइंट आपका आता है सुत पिटक की हम बात करते हैं, तो वहां पे आपका बुद्ध के जो उपदेशों का संकलन है वो किया गया, उसके रचनाकार कौन थे, आनंद। और विनय पिटक के रचनाकार कौन थे, विनय पिटक के रचनाकार उपाली। और थर्ड पॉइंट आता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में दार्शनिक और जो आध्यात्मिक विचार है वो उसमें शामिल किया गया, जिसके रचनाकार किसे माना जाता है, तीसरे को। तो यहाँ पे पूछा गया सुत पिटक सेकंड पॉइंट में क्या था, उपदेशों का संकलन। तो हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए विनय पिटक की रचना किसने की थी, जस्ट अभी बताया विनय पिटक की रचना की गई है उपाली के द्वारा, और सुत पिटक की रचना की गई है आनंद के द्वारा, और थर्ड पॉइंट अभिधम पिटक की रचना की गई है तीसरे के द्वारा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, उपाली बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले गुरु रिंपांच किस शाखा से संबंध रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक गुरु थे रिंपांच, जो कि तिब्बत में, भूटान में और अन्य पड़ोसी जो देश थे उसमें बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया था, जिनका नाम क्या था, गुरु रिंपांच, या फिर उनको पद्म संभव के नाम से भी जाना जाता है, पद्म संभव।
तो उन्होंने यानी उनका संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से था, तो बौद्ध धर्म के यहाँ पे ब्रजयान शाखा से था, ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, ब्रजयान शाखा से था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है रेवालसर झील में, रेवालसर झील यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए कहाँ पे जगह है, चलो यहीं पे लिखता हूँ, रेवालसर झील, ठीक है। रेवालसर झील कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखें। इसी झील में इनकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है, ठीक है, प्रतिमा बनाई गई है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, अगला पॉइंट है कि पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तीनों पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी, पाली भाषा मैंने आपको बताया था, देखिए रचना पाली भाषा में की गई थी, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए मठ और उनसे संबंधित स्थान के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, तो मैंने मठ आपको बताया था, जैसे कि टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, हेमिस और थिक्से लद्दाख बताया था, उसके बाद नामग्याल हिमाचल प्रदेश बताए थे, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या गलत है, तो टाबो मठ हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, रूमटेक सिक्किम ये भी सही है, तो थिक्से मठ हिमाचल प्रदेश, थिक्से मठ हिमाचल प्रदेश नहीं, ये गलत है, क्योंकि थिक्से आपका लद्दाख और हेमिस लद्दाख, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो आई होप कि आपने 11 में से सही किया होगा 11 क्वेश्चंस, गलत इसमें कोई करने का चांस नहीं था, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको जो बताए गए थे वही, अगर फिर भी आपने गलती किया तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने ध्यान से वीडियो को नहीं सुना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट रखिए, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।